आपको लिए चलेंगे गुरुग्राम, जहां पर कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच से संबोधित कर रहे हैं। गुड़गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं और सभी साथियों, हमारे अध्यक्ष जी ने, राजबब्बर जी ने, जितने भारद्वाज जी ने, सभी साथी बोले, उन्हें सब अपनी बात कही। मैं समझता हूँ उन सब बातों को डराऊंगा नहीं, लेकिन आज कोई कहे ना कहे, हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि हरियाणा कहाँ था आज से 10 साल पहले और आज कहाँ है, हमारा कौन से स्थान है। गुड़गांव, हरियाणा, पहले मैं हरियाणा की चर्चा करूँगा। आज जो हमारा प्रदेश 2014 में 25 व्यक्ति आए हैं निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज हम नंबर एक है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, ये परिस्थिति है। तो मेरा कहने, अरे कुछ कहने में अभी अच्छा कोई बात नहीं, रखो। तो ये बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो गुड़गांव के सभी 36 राजनीति के लोगों का हम धन्यवाद करने आए, जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से आपने हमारे उम्मीदवार भाई रंजन राजबब्बर जी का समर्थन किया, उसका हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बेशक हमें जीत हार गए, लेकिन पूरे देश में ये बात चली कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा गया, उम्मीद से ज्यादा वोट आए। चर्चा और जनगिनती चल रही थी, जो 3 बजे तक तो राजबब्बर जी जीत रहे थे भाई, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैं समझता हूँ, सिर्फ एक ही कमी रह गई, थोड़ा समय कम मिला राजबब्बर जी को, और आपको भी कम समय मिला राजबब्बर जी को पहचानने का। मैंने तो प्रचार रखा था, मैंने प्रचार रखा था, मैं तो देखा हम साथ रहे सांसद, कि जिस भी इलाके से आए वहाँ इतनी मजबूती से आवाज पार्लियामेंट में उठाते थे, अगर ये गुड़गांव में नुमाइंदे बनते तो आपकी आवाज पूरे देश में बुलंद हो रही थी, अपने स्वार्थ में साथ नहीं करती हुआ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चुनाव था। अब आगे एक मोर्चा 10 बजे 5 सीट आ रही हमारी, एक मोर्चा तो जीत गया, बेशक गुड़गांव हम रह गए, लेकिन अब असली मोर्चा 3 महीने के बाद दूसरा मोर्चा जो जीत रहे, ये जीतना, ये जीतेंगे तो आगे करेंगे। मुझे जैसे मैंने बता दिया ना, कहाँ से कहाँ था, कहाँ पहुंचे। आज हरियाणा पूरे देश में महंगाई में नंबर एक है, बेरोजगारी में नंबर एक है, और हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, अपने आप को असुरक्षित नहीं मानता। ये मेरे आग्रह नहीं, ये सरकारी आग्रह, तो ये प्रसिद्धि होगी। गुड़गांव, गुड़गांव जो एक शहर जिसको ग्लोबल सिटी कहने लगे थे दुनिया, जो दुनिया में बढ़िया शहर बनता है, आज क्या बदतर हालत होगी मेरे स्थान में। आज इसका कचरा प्रबंधन प्रबंधन क्या है, हमारे समय में मेट्रो आई और परियोजना यहाँ से मानेसर तक की मेट्रो की बात, यहाँ से मेट्रो एयरपोर्ट तक की, ताकि यही चेक इन हो जाए, यहाँ रैपिड मेट्रो चलाई गई, यहाँ पोर्ट सिस्टम की बात चली कि ताकि सबको सुविधा हो। लेकिन 10 साल में हुआ कुछ नहीं, हुआ तो बता दो। हाँ, एक याद मैंने हरियाणा सरकार बनी जब याद किया, हैपनिंग इन हरियाणा, तो अभी आदमी लेके आए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये लिखा गया अखबार में, हमने पढ़ा कि एक आज 5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी 5.5 हजार करोड़। हमारे समय में था, हमारे समय में हिंदुस्तान में जापान की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो उसका 70% या गुड़गांव हमारे समय में लगा हुआ, 70% इन्वेस्टमेंट जापान की। आज
कोई कितनी तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अभी बहुत सारा मेरे को आवेदन मिले कि हमारे नौकरियों से निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो ये बेरोजगारी इतनी जबरदस्त कर रही है, इससे कैसे हो रहा है? इस सरकार ने एक इंच मेट्रो, एक मेट्रो का पोल नहीं लगाया, एक इंच रेल लाइन नहीं बिछाई, क्योंकि रेल लाइन जा रही थी यहाँ से। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक कम बनना था हमारे सरकार 3000 एकड़ में, वो भी छोड़ दिया आज 3000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में देना था। ऐसी सरकार जिसकी सोच ही नहीं, एक दो बूंद बारिश पड़ जाए गुड़गांव में तो कितनी भी तकलीफ होती है लोगों को, और आप तो कोई सुरक्षित है यहाँ पर है, सुरक्षा फैली हुई है। तो वही मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ कि आज समय है, कि चुनाव आने वाले, हमारी बात मानो। जो हमने सपना देखा था गुड़गांव का, हर चीज का यह प्रबंध किया था, फिर से हमने इस गुड़गांव को ग्लोबल सिटी बनाना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, इन्वेस्टमेंट आएगी नौकरी आएगी प्रगति होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बेरोजगारी फैलेगी और बिखर जाएगी। इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब इन्वेस्टर्स को ये यकीन होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छी है, तुम सुरक्षित हो, जब भी तो आएंगे। इन तीनों ने तो असुरक्षित कर दिया हमारे जिला को, याद होगा ऐसी परिस्थिति 2005 में भी थी, 2005 में भी यही थी, कांग्रेस की सरकार बनी तो मैंने एक बार कह दी थी बनते ही अपराधियों को और बदमाशों को, तुम बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ, 10 साल तक चलते रहे। आज से कहने जा रहा हूँ, हम कहने जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, हमारे विकास कर। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा पाते तो सारी चीजें बता दी, लेकिन कुछ हम फैसले कर चुके हैं। वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं जो कि हमारे घोषणा पत्र में भी आएंगे और सरकार बनते ही लागू किए जाएंगे। वो है कि हमारे पहले जो तो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी पेंशन हम 6000 रुपये महीना कर, और महंगाई, महंगाई जो है सबसे ज्यादा है, महंगाई का एक कारण बिजली भी है, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी हम आपको, और जो गैस का सिलेंडर जो 2014 में 400 रुपये का था आज 1200 का है, हर घर सिलेंडर इस्तेमाल करता है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होगी, जैसे हमारे इसी प्रकार से जो इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसका क्या काम है? भ्रष्टाचार का अड्डा है, ठेके पे नौकरियां देते हैं। आपने देखा उसका MD पकड़ा गया, परचून की तरह नौकरियां मिलती इन्होंने, एक साल लगाते हैं वहां देते, ना तो उसकी पेंशन ना पक्की होती, ना मेरिट ना रिजर्वेशन। उसका नतीजा ये हुआ 2 लाख सरकारी नौकरी जो सेंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ा है। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख नौकरियां आप देंगे, ये आपने काम किया। आज ऐसी परिस्थिति कर रखी है इन्होंने, आज हरियाणा में कैसी परिस्थिति है कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो यही कारण है इसका, और सरकारी कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की, वर्ल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, और खिलाड़ियों के लिए पदक पाओ, पद पाओ। हमारे खिलाड़ियों कितना अपमान हुआ है, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक हुआ भाई अंतर मंत्र पे, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको, वो पॉलिसी बंद कर दी। और एक जो एक नया सिस्टम कर दिया पोर्टल, हर काम पोर्टल, मैं तो कह रहा था भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं इनको BJP वालों को, तुम वोट भी पोर्टल पर करो, पोर्टल प्रॉपर्टी ID
परिवार पहचान पत्र मतलब परमानेंट परेशानी पत्र कभी मेरा पत्र मेरा द्वारा इसका कोई मायना नहीं, जन विरोधी जन इनके नहीं है, कोई वोटर के खिलाफ नहीं हूँ। हमने शुरू किया था डिजिटल बिजली के बिल भरने के लिए, वो एक सबकी सुविधा के लिए था। ऐसा कोई पोर्टल अपनी जाए नहीं, पोर्टल को चलता करेंगे तो जन विरोधी पोर्टल अगर उनको नहीं जाएंगे तो ये होंगे कब? ये सारे काम भी मैंने कहे कब होंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी तब होंगे ना। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? विधायक बनाओगे, यहाँ से गुड़गांव के चार चार एमएलए बना के भेजोगे? तो एक बात सुनो, आप चार एमएलए बना के भेज देना गुड़गांव से, मैं भी एक काम कर दूंगा, तुम्हारा सरकार कांग्रेस की बना दूंगा यहाँ पर, मंजूर है?